लेकिन भाई स्टेडियम आपको इसमें शायद छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैं सामने से देख रहा हूँ ना, इसका बहुत ज्यादा एरिया है गाइस। तो गाइस हम आ चुके हैं फाइनली अपने लोकेशन पे, सिसवा डैम आए हैं। ये चेक करो। तो गाइस प्रॉपर पहाड़ तो नहीं है बट सो हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और अभी हम हैं न्यू चंडीगढ़ में और आज हमने फोटोशूट का टाइम निकाला था, तो फोटोशूट करने आए हुए न्यू चंडीगढ़ में। कुछ प्लेसेस थे और मेरे साथ मेरा भाई लक्की, इसी को लोकेशन का पता कि कहाँ पे करना है। कैमरा वगैरह सब लेके घूम रहा हूँ, बस लोकेशन पे जाएंगे, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, काफ़ी टाइम भी हो गया था, देखते हैं। और ये चंडीगढ़ डेवलप हो रहा है गाइस, ये देख लो, अभी डेवलपिंग है, अब अंडर डेवलपमेंट है, हो जाएगा मेरे ख्याल से आने वाले 4-5 साल में इसका हुलिया चेंज हो जाएगा। क्यों लक्की? लेकिन भाई स्टेडियम आपको इसमें शायद छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैं सामने से देख रहा हूँ ना, इसका बहुत ज़्यादा एरिया है गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। सो गाइस ये है हमारा न्यू चंडीगढ़ चंडीगढ़ में जैसी बिल्डिंग नहीं है वैसी बिल्डिंग है इस साइड में है। अगर बाई चांस अगर हम स्टेडियम वहाँ पे नया स्टेडियम बनेगा आपको मैं दिखा दूंगा, अगर उस रोड पे गए तो सब कुछ रेडी है बस उसमें मैच जिस दिन होगा उस दिन उद्घाटन हो जाएगा, बस अगले साल तक में भी चल हो जाएगा। किस साइड जा रहे हैं? साइड जा रहे हैं ना अभी। सो गाइस अभी उसी साइड जा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो गाइस ये है हमारा नया क्रिकेट स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ में। सो एक बारी चक्कर, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। हम आ चुके हैं फाइनली अपने लोकेशन पे, सिसवा डैम आए हैं और मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ, चलते हैं। कुछ तो आ ही जाएगा, कुछ आ जाएगा। सो गाइस आफ्टर वॉचिंग लोकेशन सीरियस रिव्यू है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ पे जो हमें मिल जाएगा वैसा कुछ, तो मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो मिला नहीं। ठीक है हो जाएगा, इतना भी बेकार नहीं लेकिन हो जाएगा। एक बार लोकेशन चेक कर लो। ठीक है कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अब इतनी दूर आए हैं, अराउंड अपने घर से 25 to 26 किलोमीटर आप आए हैं,
26 किलोमीटर अपा हम लोग आए हैं इतना दूर, तो अब यार आए हैं तो कुछ तो करके जाएंगे। सो इधर भी एक बार देख लेते हैं क्या, यार इधर भी पहाड़ी हैं, पहाड़ है सही है। अभी एक वहां पे बोटिंग एरिया है, वहां पे भी जाके देख लेते हैं, वहां पे शायद कुछ। आपको सही बताऊं तो क्या उम्मीद है कितनी फोटो निकल सकती है यहाँ पे, मुझे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यार अगर रिपीटली डालना है तो 5-10, और अगर जेन्युइनली डालना है तो मुझे लगता है 5 फोटो ही निकलेंगी लोकेशन के हिसाब से, है ना। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना माड़ा नहीं है, यहाँ पे भी हो जाएगी फोटोज। तो एक बार पहले लोकेशन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हमें पता लग जाएगा ना कि कौन से पॉइंट पे फोटो शूट करना है। यस, और ये वैसा भी है, हाँ आगे वो है रेस्ट्रो है, एक तो इसको लेके चलो, पहुँचते कहीं है नहीं, पानी की इनको तलब पहले लग जाती है भाई तेरे तरह। और भाई ये देख लो, ये जो है ना यहाँ पे ना एयरफोर्स के जो स्टूडेंट, मतलब एयरफोर्स कह रहा हो जो भी है, एयरप्लेन वगैरह जो भी एयरफोर्स जो भी होता है उसके स्टूडेंट का ये हॉस्टल है। आपको शायद दिख भी रहा होगा वहाँ पे वो छोटा सा एक वो खड़ा है, वो क्या बोलते हैं उसको, फाइटर प्लेन है। तो पूरी तरह एचएलवी मार रखा है, चले एक राउंड हो गया कंप्लीट फोटोशूट का, और अभी हम लोकेशन पे ही हैं। ये कुछ ऐसा लोकेशन है, और ये प्यारे प्यारे हट हैं, और वो लक्की खड़ा है, और ये लोकेशन है जहाँ पे हम अभी थोड़ा आउटफिट वगैरह चेंज करने आए थे। सो बस एक और राउंड लगाएंगे, दो लोकेशन और है यहाँ पे, उस पर कर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से फिनिश करके एक और जगह जाना है, कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पे भी क्लिक करके फिर हमारा हो जाएगा कोटा पूरा। तो फिर नेक्स्ट हफ्ते या नेक्स्ट के नेक्स्ट हफ्ते हम सोचेंगे कुछ। यार ये हट देखो पहले आप, काफ़ी प्यारे हट हैं, और ये 1, 2, 3 हैं पूरे एरिया में। सो यस, और आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा है सिसवा डैम पे, जैसे कि देख रहे हो। वैसे मैं अभी हम थोड़ा आउट एरिया में खड़े हैं, कपड़े कुपड़े चेंज करने आए थे इसलिए थोड़ा, लेकिन मेन एरिया में है लोग काफ़ी आए हुए हैं। सो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं यहाँ पे और निकलते हैं यहाँ से। यस, फाइनली यहाँ का जो भी फ़ोटोशूट वगैरह था वो कंप्लीट हो चुका है, जस्ट अभी फ्री हुए हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ रील्स वगैरह बनाई हैं और देख रहे हैं कुछ ट्रेंडिंग ऑडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, बस वो डालें वो उस पर रील रूल बना के फिर निकलते हैं ऑडियो वगैरह लेके, और कुछ स्लो मोशन वगैरह, बस चलते हैं। और ये कुछ आउटफिट था आज का, तो बस फोटोशूट हो गया, अब जाते हैं दूसरी जगह, एक और जगह फोटोशूट करना है, वहाँ पे माइनर सही है, तो बस चलते हैं। सो गाइस फाइनली अब यहाँ से हम आउट करने लगे हैं, ये रहा हमारा सिसवा डैम, और रील वगैरह भी बन चुकी है, और ये भाई से जलते हैं, ये तरक्की देख, जलता है साला, ये भाई की तरक्की नहीं देख सकते, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो बस व्यू देखो, चेक कर लो प्रॉपर, दिखाई ये चेक करो। सो गाइस प्रॉपर पहाड़ तो नहीं है, बट इस टाइम ज्यादा मजा आ रहा है ना, ठंडी हवा स्टार्ट हो गई है, एकदम चिल्ड सा लग रहा है ना, हाँ माहौल बन रहा है, माहौल जमा देंगे इधर ही पिए। तो गाइस बस इसकी 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 बातों पे इसकी बातों की सुनो, ओ भाई गेट खोल दिया यार इन्होंने, ये क्या चक्कर है, कह रहे हैं शाम हो गया आप जा सकते हो सर, आप वो साले उन्होंने वॉल्कवैगन को, अच्छा वो है भाई, मैं कहूँ गाड़ी है वो, मिनी कूपर जैसी गाड़ी लग रही थी मुझे, बस अब जा रहे हैं। वैसे तो लोकेशन एक और है, अगर टाइम बच गया तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर उसको नेक्स्ट टाइम के लिए पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि बहुत यहाँ पे हैवी हो गया है और टाइम की भी किल्लत है। सो चलते हैं, नहीं तो